hello friends very warm welcome to lk academy i hope everyone of you is safe and doing well at your home uh, so today we will continue with our current affairs lecture and we will cover some more topics from the month of july i hope that you have gone through all the previous lectures and it is our uh, sincere recommendation that you go through all the previous lectures that has been provided you till डेट सो so, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू न्यू सिस्टम दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसको नाम दिया गया है स्पर्श सो स्पर्श स्टैंड फॉर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्शा रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्पर्श दैट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज इट स्टैंड फॉर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्शा क्या है स्पर्श सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ सेंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन देखिए पूरी सिस्टम को धीरे धीरे क्या कर दिया गया है डिजिटाइज कर दिया गया है ताकि जो डिफेंस के जो रिटायर्ड पीपल है जिन हु आर एलिजिबल टू गेट दी पेंशन फ्रॉम द गवर्मेंट उनको पोस्ट ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिस के धक्के ना खाने पड़े दिस वेब बेस्ड सिस्टम प्रोसेसिस पेंशन क्लेम्स and credits pension directly into the bank accounts of defense pensioners without relying on any external intermediary. देखिए जो आ, इससे क्या होगा देखिए दो चीज़ें होगी एक तो सहूलियत हो गई टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल कर दिया गया कि पेंशन किसको कितना मिलना है वो भी सिस्टम अपने आप से डिसाइड कर लेगा और वो सिस्टम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली उस रिटायर्ड पर्सन के बैंक अकाउंट में पहुंच भी जाएगा हमने कई किस्से सुने हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो पेंशन क्लियर करने के लिए भी करप्शन करते हैं सो so, जो पूरी इंटरमीडिएट जो सिस्टम थी करप्शन की वो अब क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी पेंशनर पोर्टल इज अवेलेबल फॉर पेंशनर्स टू व्यू देर पेंशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस सर्विसिस एंड रजिस्टर कंप्लेट इफ़ एनी Sparsh envisages establishment of service centers to provide last mile connectivity to pensioners who may be unable to directly access the Sparsh portal the two largest banks dealing with defense pensioners one is state bank of india obviously and the other is punjab national bank have been co-opted as सर्विस सेंटर्स तो अगर आपको कोई दिक्कत है क्लेम्स में अगर कोई दिक्कत है तो एस या पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके भी या उनके कस्टमर सर्विस से भी आप अपनी जो इश्यू है उसको सॉल्व कर पाओगे अदर इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं डिफेंस पेंशन को रिलेटेड सो वन रैंक वन पेंशन स्कीम इट प्रोवाइड्स द पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ द सर्विस इर रिस्पेक्टिव ऑफ़ द डेट ऑफ रिटायरमेंट तो देखिए ये काफी पी जो है वो काफी लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट थी फ्रॉम दी रिटायर्ड ऑफ आर्मी उसको भी अब क्या कर दिया गया इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो इससे क्या होगा कि सेम पेंशन मिलेगा अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर सेम रैंक का है सेम लेंथ ऑफ सर्विस अगर उसने uh, करी है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ओके टेन्योर इरिस्पेक्टिव ऑफ़ द डेट ऑफ रिटायरमेंट कोई दो साल पहले भी चाहे रिटायरमेंट हो रहा है या दो साल बाद भी रिटायरमेंट हो रहा है तो अगर पेंशन बढ़ाया भी जाता है तो वो पेंशन पास्ट वाले सारे लोगों को भी अप्लीकेबल होगा और ये काफी वेलकम uh, मूव था फ्रॉम दी गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू आर्मी पर्सनल्स तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था जो स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है उसके बारे में स्पर्श सिस्टम जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और वो है इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर चलिए वाई वी आर लर्निंग अबाउट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन इन अवर करंट अफेयर्स लेक्चर्स सो रिसेंटली ये पता चला है कि भाई महाराष्ट्र हैज़ बीन विदाउट अ स्पीकर सिंस फेब्रुअरी 2021 महाराष्ट्र में फेब्रुवरी 2021 से सो ऑलमोस्ट इट्स अ टाइम ऑफ फाइव टू सिक्स मंथ्स और वहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है वाई लोकसभा एंड सेवरल स्टेट असेंबलीज आर विदाउट डेप्यूटी स्पीकर तो लोकसभा और काफ़ी सारी स्टेट असेंबलीज़ में डेप्यूटी स्पीकर नहीं है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए वाई बिकॉज इट इज द सोल ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबली अगर स्पीकर नहीं होगा हाउ विल यू रन दार्लियामेंटरी बिजनेस सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर शुड नेवर बी एम टी शुड नेवर बी एम टी राइट तो यहाँ पे लूप होल हो गया कि होना नहीं चाहिए बट स्टिल वी आर रनिंग अर बिजनेस विदाउट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का इलेक्शन कैसे होगा हमारे लोकसभा के जो करंट स्पीकर है दैट इज ओम बिरला ओके सो क्या क्राइटेरिया है सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स दी स्पीकर टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ओके स्पीकर को आप ऐसे ही रेंडमली नहीं इलेक्ट कर पाओगे स्पीकर मस्ट बी मेंबर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाउस ऑल्दो देर आर नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर बींग इलेक्टेड द स्पीकर an understanding of the constitution and the laws of the country is considered a major asset for the holder of the office of the speaker why because क्यों आपको ये constitution का और कंट्री uh, के लॉस का बेसिक नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए because you need to require to run a uh, संसद ओके okay, पार्लियामेंट आपको चलाना है डे टू डे प्रोसीडिंग्स करनी है तो पार्लियामेंटरी रूल्स आपको पता होने चाहिए कब किसको बोलने देना है किसको कितना बोलने देना है किसको कौन से प्रोविजन के तहत बोलने देना है ऑल दोज डिटेल्स शुड बी नोन टू अ पर्सन हु इज हैंडलिंग अ स्पीकर चेयर अ मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड स्पीकर बट ऑब्वियस चीज़ है कि uh, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हाउस उनके हिसाब से चले uh, अगर वो मेजोरिटी में है तो तो इसके लिए उन्हीं की पार्टी में से किसी एक को स्पीकर uh, बनाया जाएगा द प्रोसेस हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स वेर रूलिंग पार्टी नॉमिनेट्स इट्स कैंडिडेट आफ्टर इनफॉर्मल कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ अदर पार्टीज एंड ग्रुप इन हाउस तो देखिए जनरली ये uh, ट्रेडिशन है कि जनरली स्पीकर का जो पोस्ट है वो अनपोज स्पीकर का पोस्ट है डिप्यूटी uh, स्पीकर का पोस्ट है प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट uh, का पोस्ट है या वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है दैट शुड बी अनअपोज क्योंकि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो यहाँ पे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती बट इट्स सिंपल ट्रेडिशन जो हर बार फॉलो नहीं भी होता है कई बार हमने देखा है कि प्रेसिडेंट के लिए अपोजिशन पार्टी ने किसको रखा है स्पीकर के लिए अपोजिशन पार्टी ने लोगों को रख दिया है तो वहाँ पे फिर इलेक्शन होगा ओके okay? और अगर मेजोरिटी है किसी के पार्टी के पास तो द रिजल्ट आर वेरी क्लियर दैट पार्टी हैविंग मेजोरिटी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन सो द कन्वेंशन दैट वंस इलेक्टेड द स्पीकर एनजॉय द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द हाउस ठीक है एक बार आप स्पीकर बन गए हो तो फिर आप किसी एक पार्टी को फेवर नहीं कर सकते वाई बिकॉज यू हैव टू एक्ट न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स वोटिंग कैसे होगी सो द स्पीकर अलॉन्ग विद द डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमोंग दी लोकसभा मेंबर्स बाई अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दाउस तो सिंपल मेजोरिटी फिफ्टी परसेंट से ज्यादा अगर प्रेजेंट मेंबर्स के वोट आपको मिल जाएंगे दैट पर्सन विल भी इलेक्टेड एज अ स्पीकर वंस अ डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन हीज हर नेम इज नॉर्मली प्रपोज्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट प्रेजेंट Uh, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नाम रखेंगे सदन के सामने कि भाई दिस इज अवर कैंडिडेट और इसका नाम हम वोटिंग के लिए रखेंगे टर्म ऑफ़ ऑफिस ऑफ द स्पीकर कब होगा सो द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा राइट तो जब नई लोकसभा बनेगी तब जो मान लीजिए कि नए लोग चुन के आएंगे तो तब भी तभी भी हाउस चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए अनटिल द नेक्स्ट स्पीकर गेट्स इलेक्टेड तो तब तक जब तक नेक्स्ट स्पीकर इलेक्ट नहीं होते तब तक स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर अपना काम करेंगे द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ओके स्पीकर री इलेक्शन देर इज नो नॉम के कोई uh, एक टर्म के लिए या दो टर्म के लिए ही आ, लोकसभा का या असेंबली में स्पीकर रह सकते हैं दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दी सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेनेवर द लोकसभा इज डिजोल्व द स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स राइट right? तो क्योंकि स्टार्टिंग के जो इनिशियल स्टेजेस है फॉर न्यू लोकसभा और न्यू असेंबलीज उसको रन करना भी जरूरी है और तब तक जब तक कि नया Uh, लोकसभा स्पीकर नहीं बन जाता हो सकता है कि वो खुद बने बट स्टिल जब तक वो डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो अपना काम करेंगे तब तक वो ऑफिस विकेट नहीं करेंगे रोल एंड पावर्स ऑफ स्पीकर क्या है आई 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 एम श्योर डेट आपने लोकसभा राज्यसभा चैनल्स uh, देखे होंगे सो so, इंटरप्रिटेशन करना है कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स बुक में जो लिखा गया है या लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन करेगा स्पीकर uh, करेंगे सो ही शी इज द फाइनल इंटरप्रिटेर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स विद इन द हाउस ठीक है देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो बुक है जहाँ पे लिखा गया है कि जीरो आवर्स क्या होता है या क्वेश्चन आर क्या होगा Uh, कौन से रूल के तहत डिस्कशन होगा कौन से रूल के तहत uh, जो मेंबर है वो डिस्कशन मांग सकता है रूल नंबर 193 रूल नंबर 124 सो एंड सो तो उसका जो फाइनल इंटरप्रिटेशन इट इज़ नॉट अवर रूल बुक इज नॉट रिटर्न इन अ वेरी सिंपलर और वेरी लेमिन लैंग्वेज इट इज़ रिटर्न इन अ वेरी 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 हार्ड लैंग्वेज कि जिसका इंटरप्रिटेशन हर कोई अलग तरीके से कर सकता है देर आर मल्टीपल लूप होल्स प्रोवाइडेड राइट बिकॉज ऑफ दिस देर आर टू मैनी टाइम्स द सिचुएशन अराइजेस के काफी केस हो जाएगा विपक्ष कुछ बोलेगा रूलिंग पार्टी कुछ इंटरप्रिटेशन अलग करेगी सो इन दिस केस स्पीकर का जो इंटरप्रिटेशन होगा दैट विल बी फाइनल वाई बिकॉज स्पीकर इज द मॉनिटर ऑफ द लोकसभा आपके क्लासरूम में जो मॉनिटर होगा देट विल बी दी फाइनल डिसाइडिंग ऑथोरिटी तो उसी तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में इन द केस ऑफ लोकसभा इट विल बी अ चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा सॉरी इन केस ऑफ लोकसभा इट इज स्पीकर इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज चेयरमैन सो जो चेयरमैन या जो स्पीकर बोलेंगे देट विल बी दी फाइनल इंटरप्रिटेशन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज को भी लोकसभा के स्पीकर हैंडल करेंगे सो ही शी प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ दी टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट देखिए अब काफ़ी सारे ओकेजन पे जॉइंट सिटिंग होती है जब मान लीजिए फॉरेन से कोई आ, बहुत इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी आएगी और अगर वो आ, संसद को एड्रेस करना चाहती है तो इन दैट केस जॉइंट सिटिंग होगी आपको याद होगा तो जब बराक ओबामा आए थे तो बराक ओबामा क्योंकि पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले थे एट दैट टाइम जॉइंट सिटिंग वॉज हेल्ड अगर Uh, जब नई नई uh, पार्लियामेंट बनती है मतलब नए जब इलेक्शन से पार uh, पार्लियामेंटेरियन चुन के आएंगे तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट मे आस्क फॉर द जॉइंट पार्लियामेंटरी रिजेशन अगर कोई नेशनल कैलिमिटी या नेशनल सिक्योरिटी का कोई बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करना है उस टाइम पे हो सकता है कि जॉइंट सिटिंग करवाई जाए तो उस जॉइंट सिटिंग को भी लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करेंगे सच अ सिटिंग इज समंड बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑन अ बिल एडजॉर्नमेंट ऑफ सिटिंग ही शी कैन एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एबसेंस वन टेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द हाउस तो देखिए ये तो हम पता ही है कि कोरम में अगर वन टेंथ मेंबर नहीं है तो वो अडजॉइन कर सकते हैं। एडजैन का मतलब है कि पोस्टपोन करना जो प्रोसीडिंग्स है क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं है तो गवर्नमेंट कैन नॉट और पार्लियामेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन तो उस केस में पार्लियामेंटरी सिटिंग को आ, कुछ घंटों के लिए कुछ मिनट्स के लिए या कुछ दिनों के लिए या नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा आ, अभी अभी संसद का नया सत्र शुरू हुआ है पिछले हफ्ते से तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर के नाम पे जो गवर्नमेंट के ऊपर अलीगेशन है कि गवर्नमेंट इज़ स्पाइंग ऑन सम ऑफ दी अपोजिशन मेंबर्स सम ऑफ दी जर्नलिस्ट सो उसके चलते बोथ इन बोथ हाउसेस ऑफ दी पार्लियामेंट हल्ला हो रहा है फा, फार्म बिल के ऊपर हल्ला हो रहा है तो जब वेल में आ जाएंगे सारे जो अपोजिशन के लोग हैं और वो लोग हल्ला गुल्ला करने लगेंगे तो आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स नॉर्मल नॉर्मल वे में नहीं चला सकते तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा वेन यू स्विच ऑन दी लोकसभा और राज्यसभा टीवी वी दैट राज्यसभा इज एडजॉन्ड टिल इलेवन ए एम टुमोरो और दी नेक्स्ट डे और मंडे सो द पावर लाइज विद इन दी पर्व्यू ऑफ लोकसभा स्पीकर के हाउस को कब एडजॉन करना है कब हाउस को चलाना है हो सकता है कि कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल पास करने हो तो वो हल्ले गुल्ले में भी वो पास हो जाएगा क्यों क्योंकि स्पीकर एडजॉन नहीं करेंगे तो ये सारे जो पावर से हाउस को एडजॉर्न करने का वो किसके पास है लोकसभा स्पीकर के पास है कास्टिंग वोट की जो अथॉरिटी है जो फाइनल वोट अगर केस ऑफ टाई जो वोट Uh, पड़ेगा वो भी किसके पास होगा लोकसभा स्पीकर के पास उसकी अथॉरिटी होगी सो द स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट इन द केस ऑफ अ टाई व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट सच अ वोट इज कॉल्ड अ कास्टिंग वोट एंड इट्स इट्स पर्पज टू रिजोल्व अ डेडलॉग ठीक है अगर वो डेडलॉक होता रहेगा तो आपका जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे नहीं बढ़ बढ़ सकता तो इन दिस केस जो फाइनल डिसाइडिंग वोट होगा इन केस ऑफ टाई ओनली अगर टाई है तो ही स्पीकर वोट डालेंगे अदरवाइज नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में स्पीकर वोट नहीं डालेंगे फर्स्ट इंस्टेंस पे स्पीकर कभी भी वोट नहीं डालेंगे राइट right? तो ये डेडलॉक को क्लियर करने के लिए जो कास्टिंग वोट की अथॉरिटी दी गई है वो भी किसको दी गई है स्पीकर को दी गई है नेक्स्ट इज मनी बिल सो स्पीकर विल डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट एंड हिज और हर डिसीजन ऑन द क्वेश्चन इज फाइनल डिसक्वालीफाइंग मेंबर्स जो मेम्बर ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हो या पार्लियामेंट्री uh, मर्यादा का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको डिसक्वालिफाई करने का पावर भी किसके पास है स्पीकर के पास है सो इट इज़ द स्पीकर हु डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द टेंथ स्कड्यूल कभी पार्टी बदल ली किसी ने या पार्टी छोड़ के अब हो बोल रहे हैं कि हम हम अपक्ष बैठेंगे तो इन दैट केस जो फाइनल रूलिंग होगा अंडर द टेंथ स्केड्यूल वो किसके पास होगा uh, किसका होगा स्पीकर uh, का होगा द फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स दिस पावर इन दिस स्पीकर इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू दी रिव्यू अगर आपको याद हो तो ट्वेंटी ट्वेंटी में हमने कर्नाटका और तेलंगाना के जो विधायक थे जिन्होंने पार्टी बदल ली ओके दस पंद्रह विधायकों ने साथ में कांग्रेस से बीजेपी में कांग्रेस से टीआरएस में चले गए सो इन दिस केस उनका जो मेंबरशिप है फॉर देट रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वो वहाँ का स्पीकर डिसाइड करेगा स्टेट असेंबली के स्पीकर वो डिसाइड करेंगे राइट right? इवन अगर अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट भी ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा कोर्ट भी बोलेगा कि पहले स्पीकर का इनपुट लो अगर स्पीकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या स्पीकर इज नॉट इन द पोजिशन टू टेक द डिसीजन देन ओनली कोर्ट विल इंटरफेयर अदरवाइज कोर्ट इज वेरी क्लियर ऑन दिस काइंड ऑफ केसेस दैट स्पीकर शुड डिसाइड फाइनल आउटकम चेयरिंग द आई पी जी सो जो इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप है जो अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग कंट्रीज में जाकर रिप्रेजेंट करेगा दैट हाउ इंडियन पार्लियामेंट वर्क्स या इंडियन पार्लियामेंट का व्यू क्या है तो उसको भी चेयर कौन करेगा चेयरमैन करेगा सो ही शी एक्ट्स इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन देखिए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा अगर आप लोकसभा स्पीकर हो तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन बन जाओगे सो ही शी एक्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ़ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप विच इज़ अ लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ़ इंडिया एंड द वरियस पार्लियामेंट्स ऑफ़ द वर्ल्ड तो काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस हो गए इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गए जहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को जाना होगा सो उन पार्लियामेंटेरियन के साथ अगर हमारे स्पीकर जा रहे हैं तो स्पीकर विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट आई पी जी ही ऑल्सो एक्स एज दफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन कंट्री तो जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है उनके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के तौर पर तौर पर भी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे पार्लियामेंट के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उनका गठन भी आ, स्पीकर के नाम पे किया जाएगा बट इन करंट सीनर वी ऑलरेडी नो दैट एक्चुअल गवर्नमेंट आई मीन द जो रूलिंग पार्टी है वो डिसाइड करेगी स्पीकर के नाम पर सिर्फ उसको कन्वे किया जाएगा उसको पब्लिश किया जाएगा सो द कमिटीज ऑफ द हाउस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर एंड फंक्शन अंडर द स्पीकर ओवरऑल डिरेक्शन द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉमिनेटेड बाई द स्पीकर ऑफ लोकसभा कमिटीज लाइक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द जनरल पर्पज कमेटी एंड द रूल्स कमेटी वर्क डिरेक्टली अंडर हिज चेयरमैनशिप राइट देखिए कभी कभी क्या होता है कि सदन uh, शुरू होने से पहले लोकसभा या राज्यसभा का सत्र शुरू होने से पहले सेशन शुरू होने से पहले ये पता होता है कि इस सदन में हल्ला गुल्ला होने वाला है इस टाइम कल परसों में ओके सो व्हाट स्पीकर विल डू दैट स्पीकर विल कॉल्ड ऑन टू एवरी पार्टी लीडर इन दी पार्लियामेंट जो भी छोटा ग्रुप है छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है उनका जो लीडर है इन दी लोकसभा उनको बुलाया जाएगा और ऑल पार्टी मीटिंग में सबको ये कन्वे किया जाएगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी गवर्नमेंट बट आप सदन को चलने दीजिए राइट right? सदन को ना चलने देना सदन को डेडलॉक कर देना इज नॉट अ वे टू फंक्शन ठीक है और इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में आप जस्ट हल्ला गुल्ला करके अगर सदन को बंद कर देते दे हो तो द मैसेज दैट गोइंग आउटसाइड इज नॉट गुड सो इन दिस केस ये काम भी लोकसभा स्पीकर का है दैट हाउ टू

सिबिलिटी टू गार्ड योर राइट सारी बातें हो गई uh, स्पीकर के बारे में स्पीकर को रिमूव किया जा सकता या नहीं किया जा सकता सो दट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बताया गया है सो अंडर दंडीशन द स्पीकर में है कौन सी कौन सी कंडीशन है इफ़ ही सीजीज टू मेम्बर ऑफ दी लोकसभा अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकसभा के स्पीकर नहीं रह पाएंगे इफ ई रिजाइंस बाय राइटिंग टू डी डेप्यूटी स्पीकर तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा के जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे प्राइम मिनिस्टर को देंगे लीडर ऑफ अपोजिशन को देंगे राष्ट्रपति को देंगे वाइस वाइस प्रेसिडेंट को देंगे या डेप्यूटी स्पीकर को देंगे सो आपको अंडरलाइन करके स्टार करके याद रख लीजिए दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैंड्स ओवर हीज और हर रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर इफ़ ही और शी इज़ रिमूवड बाई रिजोल्यूशन पासड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल मेम्बर्स ऑफ दी लोकसभा तो अगर बिहेवियरल ग्राउंड पे अगर लोकसभा को ये लगता है कि ही और शी शुड नॉट बी ऑन द चेयर ऑफ लोकसभा क्यों क्योंकि दैट इज वेरी प्रेस्टिजियस चेयर काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है लोकसभा स्पीकर की चेयर का तो बिहेवियरल ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है सच अ रिजोल्यूशन कैन बी मूव ओनली आफ्टर गिविंग अ फोर्टीन डेज एडवांस नोटिस ताकि वो अपनी जो बात है वो सदन में रख सके वेन अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ़ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस ही और शी मे नॉट मे बी प्रेजेंट एड दिटिंग बट नॉट प्रिसाइड वो हाउस में बैठ सकते हैं सुन सकते हैं सारी प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग्स को बट वो एज अ लोकसभा स्पीकर चेयर पे नहीं बैठ सकते वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम नहीं कर सकते वेन दिन डेज नोटिस इज गिवन राइट बिकॉज वो मोरली इट विल नॉट बी करेक्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है सो डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स राइट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज टेकन प्लेस सेम प्रोसीजर है रूलिंग पार्टी अपनी अपनी पार्टी से या अपने गठबंधन की किसी पार्टी से क्या करेगी एक नाम दे देगी अपोजिशन अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी और फिर वोटिंग होगा द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज़ फिक्सड बाई द स्पीकर इज़ फिक्सड बाई द प्रेसिडेंट तो ये एक चेन होगा कि प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन की डेट और स्पीकर फिक्स करेंगे डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट और ये काफ़ी पॉलिटिकल डिसीजन होगा जो पार्टी ज़्यादा फ़ायदा देगी या जो पार्टी सबसे बड़ी होगी या सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उस पार्टी में से डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल क्या होगा सो लाइक दिस स्पीकर द डेप्यूटी स्पीकर रिमेंस इन ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा जब तक अगली लोकसभा नहीं आ जाती द डेप्यूटी स्पीकर मे वेकेट हीज और हर ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस इफ ही कीजीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर uh, को देंगे सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट इफ ही इज रिमूव्ड बाय अ बायोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा सच अ रिजोल्यूशन कैन बी मूवड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस तो स्पीकर और लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर जो है उनके रिमूवल के जो टर्म्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स क्या है तो जब स्पीकर जब नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर विल बी एक्ट एज एन एक्टिंग स्पीकर सो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर ऑफिस वेन इट इज वीकेंट ही और शी ऑल्सो एक्ट एज द स्पीकर वैन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम सिटिंग इन दि हाउस जब डे टू डे की प्रोसीडिंग्स uh, में अगर स्पीकर नहीं होते तो डेप्यूटी स्पीकर uh, को वहाँ पे बिठाया जाएगा ही शी ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर दी जॉइंट सीटिंग ऑफ बौद्ध हाउसेस इन पार्लियामेंट इन केस ऑफ स्पीकर इज एबसेंट फ्रॉम सच सीटिंग द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज दैट इज़ वेनेवर ही शी इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमेटी ही और शी ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स चेयरमैन तो डेप्यूटी स्पीकर अगर किसी कमेटी के मेंबर अपॉइंट होते हैं ऑटोमेटिकली वो उसके क्या बन जाएंगे चेयरमैन बन जाएंगे राइट right? अगर नहीं है वो किसी कमेटी में तो उसके चेयरमैन को किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा अभी हमने आगे देखा लोकसभा स्पीकर के द्वारा उसको डिसाइड किया जाएगा राइट right? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू

हैज डिसडेड शिरोमणि अकाली दल वाज वंस अ अलाय ऑफ एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी तो उसके पार्टनर थे फार्म बिल के ऊपर उन दोनों में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में कोई अग्रीमेंट नहीं बन पाया और फार्म आंदोलन जब चल रहा था किसान आंदोलन जब स्टार्ट हुआ पिछले साल तो शिरोमणि अकाली दल ने गवर्नमेंट को सपोर्ट वापस ले लिया और उन्होंने एनडीए से वो लोग अलग हो गए सो रिसेंटली द शिरोमणि अकाली दल हैज़ डिसाइडेड टू मूव एन एडजमेंट मोशन इन दी लोकसभा अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ओवर थ्री कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज अभी भी फार्म लॉज के ऊपर जो किसान आंदोलन है वो चालू ही है दिल्ली अब तक दिल्ली की बॉर्डर्स पर वो चल रहा था अब रिसेंटली दो दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने दो सौ किसानों को एट ए टाइम टू हंड्रेड फार्मर्स कैन बी प्रेजेंटेड जंतर मंतर और वह आंदोलन कर सकते हैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऐसी मंजूरी दे दी है मोशन एंड रिजोल्यूशन आर प्रोसीजरल डिवाइस टू रेज अ डिस्कशन इन दी हाउस ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट मैंने आपको कहा है ना रूल 193 नाइन्टी थ्री रूल वन नाइनटी फोर रूल वन नाइन्टी एट सो दीज आर सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स जहाँ पे आप डिस्कशन मांग सकते हो गवर्नमेंट से कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसके ऊपर आप सरकार का स्टैंड जानना है अलग अलग पार्टीज का स्टैंड जानना है और बाकायदा स्पीकर उसको मंजूरी देंगे आप हाउस पे आ, पेपर ले करोगे और उसके ऊपर एक लंबी सी चर्चा होगी द ड्यूरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सो एजॉनमेंट मोशन इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डिफाइनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस देखिए थ्री फार्म लॉज है उसको चलते हुए एक डेढ़ साल हो गया जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद से जब उसके ऊपर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ अभी तक कोई भी डेडलॉक की सिचुएशन अभी बनी हुई राइट कोई भी रिजोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक दिया नहीं गया है फार्मर्स भी आ, इस मैटर को गिवअप नहीं कर रहे हैं इसीलिए शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल इज़ अ रीजनल uh, पार्टी जो कि पंजाब हरियाणा में उनका इन्फ्लुएंस है तो क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कोई एक्शन नहीं ले रही है ना फार्मर से बातचीत कर रही है तो पूरे सदन का जो अटेंशन है वो इस पर लाने के लिए एडजमेंट uh, मोशन लाया गया है इट इन्वॉल्व एन एलिमेंट टू ऑफ सेंसर अगेंस्ट दवर्मेंट देयर फॉर राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस ठीक है तो राज्यसभा में अब एडजॉइनमेंट मोशन नहीं ला सकते इट इज़ रिकार्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस एज इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ फिफ्टी मेंबर्स टू बी एडमिटेड अगर आपके पास फिफ्टी मेम्बर्स की अगर साइन है फिफ्टी पार्लियामेंटेरियंस की साइन है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स की आप सबमिट कर दो वो पेपर साइन के साथ uh, एप्लीकेशन दे दो स्पीकर को स्पीकर विल डिसाइड ऑन योर एप्लीकेशन द डिस्कशन ऑन दिस मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन टू आवर्स एंड थर्टी मिनट्स तो कम से कम अगर ये पास होता है तो कम से कम ढाई घंटे का डिस्कशन इसके ऊपर होगा और जब ये ढाई घंटे का डिस्कशन होगा तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट का प्लान था कि इस दिन को ये बिल जाएगा इस दिन को ये जाएगा इस दिन को ये जाएगा, को ये जाएगा वो क्या होगा इंटरप्ट हो जाएगा राइट सो इसीलिए स्पीकर का इसको मंजूरी देना इज uh, प्रे रिक्वेजेड हाउ एवर द राइट टू मूव अ मोशन फॉर एन एडजोनमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज सब्जेक्टेड टू टू देस्ट्रिक्शंस इट शुड रेज अ मैटर विच इज डिफाइनाइड फैक्चुअल अर्जेंट एंड पब्लिक इम्पोर्टेंस तो ये सारी चीज़ें देखिए कौन डिसाइड करेगा हर किसी को अपनी बात तो इम्पोर्टेंट ही लगेगी बट अगर 50 लोगों ने 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने जो चुन किया है जो जन प्रतिनिधि है राइट जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स uh, है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के तो वो अगर 50 साइन करके आप कोई एप्लीकेशन स्पीकर को देते हो तो स्पीकर हैज़ टू 50 मेंबर्स इज ऑलमोस्ट अ नियर टू 10 परसेंट ऑफ दी लोकसभा स्ट्रेंथ तो जब 10 प्रतिशत या नियर टू प्रतिशत लोग जब कोई एप्लीकेशन देते हैं स्पीकर हैज़ टू टेक इट सीरियसली बट स्पीकर विल डिसाइड के ये जो टॉपिक ये जो डिमांड ये लोग लेकर आए हैं दैट इज़ सीरियस अर्जेंट और नॉट सो रेज अ मैटर विच इज डिफाइनाइड फैक्चुअल अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नॉट कवर मोर देन वन मैटर बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंसेज

रिक्वेस्ट uh, है प्री रिक्वेस्ट है वो स्पीकर उसको डिसाइड करेंगे और कौन से कौन से हमारे पास मोशन है आई एम श्योर दैट इन योर पॉलिटी सब्जेक्ट यू हैव गॉन थ्रू दिस बट क्योंकि जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि करंट अफेयर्स इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स इज द सब्जेक्ट विच इज कनेक्टेड टू एवरी अदर सब्जेक्ट तो एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग थ्रू दी टॉपिक हियर ओके प्रिविलेज मोशन है सेंसर मोशन है कॉल अटेंशन मोशन है तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैंने आपको डिटेल सारी दी है आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस द वंस जो कि हम डे टू डे पार्लियामेंट्री लाइफ में देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में इन मोशन के तहत ता, काफी सारे डिस्कशन होते हैं सो प्रिविलेज मोशन है सो इट इज मूव बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर ऑफ इट्स मेम्बर्स बाई विथहोल्डिंग फैक्ट्स ऑफ अ केस और बाई गिविंग रॉन्ग और डिस्टोर्टेड फैक्ट्स इट्स पर्पज इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर इट कैन बी मूवड इन राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा तो देखिए अगर आपको याद हो गया सुषमा स्वराज जब हमारी फॉरन मिनिस्टर थी तब ईरान में सात पंजाब हरियाणा के जो लड़के थे उनकी डेथ के ऊपर काफ़ी इश्यू हुआ था और उस टाइम पर लोकसभा में ये प्रिविलेज मोशन लाया गया था अगेंस्ट सुषमा स्वराज कि आप गलत फैक्ट्स राज्यसभा और लोकसभा में प्रेजेंट किए हो गवर्नमेंट साइड से तो प्रिविलेज मोशन के बाद इसके ऊपर एक काफ़ी लंब, लंबी चर्चा की गई सुषमा स्वराज ने सारे फैक्ट्स सदन के सामने रखे तो दैट इज़ अ प्रिविलेज मोशन के आप पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर से पूछ सकते हो कि आपने सदन में झूठ बोला है आपने देश को गुमराह किया है आइए डिस्कशन कीजिए और सारे फैक्ट्स जो है वो हमारे सामने रखिए ओके नेक्स्ट जो एजॉनमेंट मोशन है हमने अभी उसकी बात की इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डिफाइनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस देखिए इससे आप गवर्नमेंट को ना गिरा सकते हो ना इसके ऊपर वोटिंग होगी नथिंग लाइक दैट एडमेंट मोशन इसीलिए लाया जाएगा कि जो फाइव लोकसभा के मेम्बर्स हैं उनको पता चले कि भाई देश में मेंट मोशन के थ्रू जब ढाई घंटे मिनिमम ढाई घंटे जब चर्चा होगी अलग अलग पार्टीज़ के लोग उसमें बोलेंगे तो लोगों को पता चले कि देश में अभी भी ये एक पेंडिंग टॉपिक है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है ठीक है जब गवर्नमेंट में सदन में जब चर्चा होगी तो नॉट ओनली दोट दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स विल कम टू नो अबाउट द टॉपिक पूरा देश नज़र गड़ाए हुए हैं मीडिया में चर्चा होगी पूरा देश देखेगा कि फार्म बिल के ऊपर अभी भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है एंड दैट्स वाई एडजमेंट मोशन हैज बीन ब्रॉट इन दी पार्लियामेंट देन नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पिछले टर्म में भी लाया गया था अगेंस्ट दी गवर्नमेंट बाई दी कांग्रेस पार्टी सो आर्टिकल सेवेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है Uh, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है इन अदर वर्ड्स इफ लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ फिफ्टी मेंबर्स टू बी एडमिटेड इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या होगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट आपकी क्या होगी गवर्नमेंट गिर जाएगी जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स है सारों को क्या करना पड़ेगा रिजाइन देना पड़ेगा राइट right. uh, और ये कब होगा जब कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी मेजोरिटी में है या काफ़ी सारे छोटी छोटी रूलिंग पार्टीज़ गठबंधन से सरकार चला रही है तो उनके बीच जो डिस्प्यूट होगा तब जाके आपकी जो गवर्नमेंट गिर सकती है अदरवाइज़ गवर्नमेंट गिरने का कोई सवाल नहीं उठता अगर वो मेजोरिटी uh, नंबर्स अगर किसी गवर्नमेंट के पास है तो तो ये हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सदन जो है वो गवर्नमेंट से अपना कॉन्फिडेंस गुमा चुका है एंड दैट्स वाई नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ बीन ब्रॉट देन मोशन ऑफ थिंग्स जभी भी प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देंगे आफ्टर द फर्स्ट आफ्टर द न्यू लोकसभा इलेक्शन और एवरी ईयर स्टार्ट जब uh, पहली बार लोकसभा का सदन मिल रहा होगा तो उस टाइम पे मोशन ऑफ थिंग्स लाया जाएगा द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज अड्रेस्ड बाई द प्रेजिडेंट

के लिए दिए गए हैं आपने आई एम प्रिटी श्योर कि पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में उसको आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एन इंटरनेशनल फोरम और वो है जी सेवन जी सेवन के बारे में हमने पिछले कई लेक्चर्स में काफ़ी डीपली पढ़ा है तो अब अगर मैं जी सेवन बोलता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज जी सेवन वेन जी सेवन वॉज एस्टाब्लिस्ड लास्ट समिट कहाँ पर हुई थी जी सेवन के मेम्बर्स कौन से हैं इंडिया का जी सेवन के साथ क्या सिग्निफिकेंस है जी सेवन को डिजोल्यूट करके डिजोल्व uh, करके क्या बनाया जाने का प्रपोजल है ये सारी चीज़ें एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए ओके सो दी जी सेवन ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज प्रपोज्ड अ बिल्ड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बी थ्री डब्ल्यू इनिशियेटिव एट दी रिसेंट फोर्टी सेवेंथ जी सेवन समिट टू काउंटर चाइनाज बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वी ऑलरेडी नो कि एशिया पैसिफिक में एंड मिडल ईस्ट में मिडल uh, ईस्ट में और मिडल एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और ये इन्फ्लुएंस जाते जाते कहाँ पहुँच रहा है यूरोप के जर्मनी तक पहुँच रहा है सो यूएसए यू के फ्रांस डज़ नॉट वॉन्ट कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े एंड पोस्ट कोविड एरा में जैसे हमने आगे भी डिस्कशन किया है कि पोस्ट कोविड एरा में आ, चाइना का इन्फ्लुएंस लोगों को दुनिया को ख़त्म करना है जो भी डेवलप्ड नेशन है दे डू नॉट वांट कि चाइना आगे बढ़े क्योंकि चाइना आगे अगर बढ़ता है तो वो उनके लिए खतरा है और इसीलिए चाइना के विकल्प के तौर पर चाइना के ऑप्शन के तौर पर इंडिया को काफ़ी सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ़ सेवन क्या है सो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975 कोई पर्टिकुलर डेट हमारे पास नहीं है इसके फॉर्मेशन की सो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में वो फॉर्म हुआ और नाइनटीन में पहली बार इसकी समिट हुई द ब्लॉक मीट्स एन्यली टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी कौन से सात कंट्रीज है वो है यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड दू एस दुनिया की जो सात सबसे बड़ी और एडवांस्ड इकनॉमीज़ है उनका ये ग्रुप uh, है ऑल दी जी कंट्रीज एंड इंडिया आर अ पार्ट ऑफ जी तो इंडिया इज़ नॉ एज ऑफ नाउ इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ जी सेवन बट मैं ऑलरेडी आपको जी टेन और जी इलेवन के बारे में बता चुका हूँ द जी सेवन डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्सड हेडक्वाटर्स द डिसीजन्स टेकन बाई दी लीडर्स ड्यूरिंग एन्युअल समिट आर नॉन बाइंडिंग तो देखिए इसीलिए जी सेवन का क्योंकि कोई हेडक्वार्टर नहीं है कोई चार्टर अभी तक इन लोगों ने नहीं बनाया है वो लोग बस हाई हेलो करने के लिए आजकल मिलते हैं एनुअली एक बार तो इसी लिए जो जी सेवन का सिग्निफिकेंस है वो कम होता जा रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस चाइना रशिया इंडिया ऐसे बड़े कंट्रीज इसमें नहीं है अब चाइना के साथ तो काउंटर करने हैं तो चाइना को तो लेंगे नहीं तो जी टेन में कौन से कौन से कंट्रीज़ को लिया जा सकता है आने वाले सालों में तो साउथ कोरिया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये प्रपोजल है कि साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को जी सेवन में मिला दिया जाए और ग्रुप को जी टेन कर दिया जाए अगर रशिया मान जाता है तो रशिया विल आल्सो बी इंक्लूडेड और और वो जी इलेवन हो जाएगा एट वन टाइम नॉट लॉन्ग बिफोर टिल ट्वेंटी फोर्टीन रशिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ जी सेवन और तब उसको जी एट कहा जाता था बट क्योंकि रशिया और यू एस ए के बीच ज़्यादा पट्टी नहीं है और हर छोटे इशू पे उनके बीच स होती रहती है तो रशिया को फिर जी एट से निकाल दिया गया था और तब जाके 2014 में वो वापस क्या बना जी सेवन बना ओके सो इन नियर फ्यूचर आने वाले दो तीन चार सालों में हमें इंडिया भी इस ग्रुप में देखने को मिल सकता है Uh, पिछले काफ़ी सालों से जी सेवन में इंडिया को स्पेशल गेस्ट के तौर पर एनीवे anyway, वे बुलाया जा रहा है द जी सेवन डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्सड हेडक्वार्टर्स द डिसीजन्स टेकन बाई लीडर्स ड्यूरिंग एन्यूअल समिट आर नॉन बाइंडिंग क्या है जी सेवन सो इट एम्स टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर बी थ्री डब्ल्यू जो हमने प्रोजेक्ट के बारे में बात की वो क्या है इट एम्स टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट इन डेवलपिंग एंड लोअर इनकम कंट्रीज The space which has been increasingly captured by China through two six zero zero BRI projects with trillions of dollars of investment, BRI projects are perceived as corrosive tactics or debt strapped laid by China for its strategic dominance in trade, foreign policy and geopolitics in the world. हम्बन डोटा पोर्ट के बारे में श्रीलंका के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं तो वो छोटे कंट्रीज़ जो है उसको इतनी बड़ी लोन दे देगा उनको डेप्ट में डाल देगा और जब वो छोटे कंट्रीज़ इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की जब लोन को रिपे नहीं कर पाएंगे तो चाइना उन पर क्या कर लेगा कब्ज़ा कर लेगा सो so, ये दिस इज़ अ डर्टी टेक्टिक्स और ये आने वाले सालों में नहीं चलने वाला है उसी को काउंटर करने के लिए ये बी लाया गया है The overall focus is on developing transportation, logistic and communications which would reduce trade and transaction cost for china's trade give more market access to chinese market and ensure stable supply of energy and other resources this infrastructure plan is being led by the USA बी थ्री डब्लू इनिशियेटिव प्रोवाइड ट्रांसपर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप टू हेल्प नैरो अबाउट फोर्टी ट्रिलियन नीडेड बाई डेवलपिंग नेशंस बाई ट्वेंटी थर्टी फाइव इट कॉल्स फॉर अ स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन कोलोबरेशन विद प्राइवेट सेक्टर वाइल अडेरिंग टू क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स एंड लेबर प्रैक्टिस हाउ एवर दट टू बी मेड अबाउट हाउ एग्जैक्टली द प्लान वुड वर्क और हाउ मच कैपिटल इट वुड अल्टीमेटलीट अगर आपको याद हो तो हमने ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में भी बात की थी तो ब्लू डॉट नेटवर्क भी सिमिलर आइडिया पे बनाया गया है जिसमें जापान यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया दी मेंबर्स और उसमें इंडिया को ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन है दैट इंडिया आल्सो शुड ज्वाइन दी ब्लू डॉट नेटवर्क तो देखिए ब्लू डॉट नेटवर्क में हमने उस टाइम पे डिस्कशन किया था कि ब्लू डॉट नेटवर्क में कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं की जाएगी सो so, क्योंकि अब ब्लू डॉट नेटवर्क इन लोगों को सक्सेस होता हुआ दिख रहा है तो छोटे कंट्रीज ये बोल रहे हैं कि अगर चाइना हमें मोनिटरी हेल्प चलिए हम चाइना से मोनिटरी हेल्प अगर नहीं लेते हैं देन हु इज़ गोइंग टू फंड अवर रिक्वायरमेंट्स हु इज गोइंग टू फंड अवर प्रोजेक्ट्स सो नाउ चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसको काउंटर करने के लिए फंडिंग के तौर पर बी थ्री डब्ल्यू लाया जा रहा है उसकी जो प्री रिक्विजिट थी उसका जो पेपर वर्क था वो ब्लू डॉट नेटवर्क में लोगों को समझा दिया गया कि भाई ये चाइना फंडेड प्रोजेक्ट में जाने जैसा नहीं है वो आपके डेप्ट ट्रैप आपके लिए होगा राइट तो यहाँ पे मॉनेटरी फंड भी आ, मतलब मॉनेटरी हेल्प भी की जाएगी और 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर जितना फ़ंड रखा जाएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कब डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आने वाले कुछ समय में हमें पता चलेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में हमें ऑलरेडी पता है इंडिया काफ़ी मुखर तौर पर इसका विरोध कर चुका है सो इट वॉज लॉन्च्ड इन ट्वेंटी It involves development and investment initiatives that would stretch from Asia to Europe and beyond. More than 100 countries have signed agreements with China to cooperation in BRI projects like railways, ports, highways, and other infrastructure.

तो जो एफ 25 आई बिलियन यू डॉलर का था अब वो 140 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है चाइना इज़ इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका टू ले अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाइना हैज ऑल्सो साइंड वरियस कॉन्टेक्ट विद द ईस्ट एशियन रीजन मोस्टली फोकसिंग ऑन द ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज रोडवेज वाटरवेज फॉर बेटर इंटीग्रेशन बिटवीन चाइना एंड आसियान कंट्रीज ओके सो देखिए हाउ चाइना इज़ कैप्चरिंग मोर देन हंड्रेड कंट्रीज और आज से जब दस साल बाद बीस साल बाद जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म होंगे और वो जब रीपे नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर जो चाइनीज इन्फ्लुंस होगा वो क्या होगा बढ़ता हुआ दिखेगा इंडिया के लिए क्या कंसर्न है तो इंडिया पार्ट ऑफ दिस बी आर आई इज़ सी पी ई सी और वो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो कि पी ओ के से पास हो रहा है और पीओके के इज़ ए डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो इंडिया ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चाइना को ये बोला है कि आप हमारी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हो पीओके के में यू शुड नॉट बिल्ड एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट इंडियाज़ परमिशन सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बांग्ला चाइना एंड द म्यांमार म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बी सी आई एम तो बी सी आई एम में भी चाइना इंडिया uh, ने जॉइंट होने से मना कर दिया था एंड द कोलम्बो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका अमॉन्ग अदर्स आर इम्पोर्टेंट बी आर आई प्रोजेक्ट्स चाइना हैज़ अ प्लान टू कंप्लीट फोर थाउजेंड किलोमीटर ऑफ रेलवेज एंड टेन थाउजेंड किलोमीटर ऑफ हाईवेज विद इन द सेंट्रल एशियन रीजन इज अ पार्ट ऑफ बी आर आई इंडिया के क्या कंसर्न है सो इंडिया हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट द सी पी सी एंड ट्रिवर्सिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स चाइना शिंजियांग प्रोविश विद ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान बलुचिस्तान प्रोविंस इंडिया रिफ्यूज टू जॉइन द चाइनीज इनिशिएटिव इन द पास एंड रेज इट्स वॉइस्ड अगेंस्ट द बी आर आई इंडिया ऑल्सो सीज एन एडवर्स ट्रेड इंपैक्ट ऑन इट्स प्रोडक्ट्स कॉम्पिटेटिवनेस मार्केट एक्सेज एंड रिसोर्स एक्सट्रेक्शन एक्सेट्रा ड्यू टू दाइनीज कॉम्पिटिशन चाइनीज प्रोडक्ट ऑलरेडी इतने सस्ते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स को मार्केट में रहने के लिए वो कंपटीशन भी नहीं दे सकते इतने सस्ते हैं चाइनीज प्रोडक्ट तो ये सारे कंसर्न इंडिया चाइना को बता चुका है सो दिस वॉज योर टूडेज़ लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड इच एंड एवरी टॉपिक मोस्ट ऑफ़ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू पॉलिटी ओनली इन टूडेज लेक्चर प्लीज लेट एस नो इन केस ऑफ एनी डाउट्स टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू